हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम. दिस इज डॉक्टर आदि हियर. अस्सलाम वालेकुम. आज का टॉपिक है क्लोनिंग. अच्छा, ये जो टॉपिक क्लोनिंग है, इसमें आप ट्रांसजेनिक एनिमल को भी आप इंक्लूड कर सकते हैं. ट्रांसजेनिक एनिमल, जैसे पिछले लेक्चर में हमने कहा था व्हाट इज ट्रांसजेनिक एनिमल या व्हाट आर ट्रांसजेनिक एनिमल्स, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, तो ये उसकी कंटिन्यूएशन है. लेकिन इसका नाम अलग मैंने दिया क्लोनिंग के नाम से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्लोनिंग पे जो है उनकी कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है कि क्लोनिंग का कॉन्सेप्ट किस तरह से क्लियर किया जाए. तो क्लोनिंग को स्टार्ट करते हैं. क्लोनिंग का जो सबसे पहले जो डेफिनेशन है, क्लोनिंग एक किस्म का रिप्रोडक्शन का एक प्रोसेस है. रिप्रोडक्शन, बच्चे देने का अमल. जिस तरह हमने सुना था कि बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें बच्चे हमें मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन. और दुनिया जहाँ में जितने जिंदा जानदार होते हैं वो बच्चे देते हैं. तो बच्चे देने के दो तरीके होते हैं, एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो जानदार की मदद से, वन मदर फादर या दो पेरेंट्स की मदद से जो है बच्चा आ जाता है, दैट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. दूसरा जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास दो पेरेंट्स नहीं होते, हमारे पास सिर्फ एक पेरेंट होता है, उस एक पेरेंट से हमें बच्चा मिल जाता है. दिस इज कॉल्ड एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें हमने बहुत ज़्यादा देखा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक और चीज़ भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था, चलूँ, कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं, मिसाल के तौर पर लेट सपोज मैं कहूँ कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर एक बच्चा है ए, और यहाँ पर आप समझिए एक पेरेंट है ए, दूसरा पेरेंट है बी, दो पेरेंट हैं. उनकी वजह से, उनकी मिलाप से हमें बच्चे मिले, मतलब इन दो से आप कहते हैं एक बच्चा मिला, दो चार जितने भी बच्चे मिले, चले आप कहते हैं एक बच्चा मिला उन इन दो के मिलाप से, तो आप उसको क्या नाम देंगे? सबसे पहले तो आप उसको नाम क्या नाम देंगे, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? तो आप यही कहोगे कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, क्योंकि दो पेरेंट्स यूज़ हो रहे हैं. अब ये जो दो पेरेंट यूज़ हो रहे हैं, ये जो बच्चा आ गया, बच्चा इनके साथ बिल्कुल मिलता जुलता होगा, सिमिलर होगा अपने माँ बाप के साथ. लेकिन डीएनए जो है इस बच्चे का, जो डीएनए है, डीएनए तो होगा ना इसके अंदर, इसका जो डीएनए है वो माँ बाप से डिफरेंट होगा. बल्कि ये जो बच्चा है, दुनिया जहाँ में जितने भी और इस तरह के बच्चे होंगे, इसका डीएनए उन सब से डिफरेंट होगा. और यही हमारी पहचान है. देखो, एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है. हमारी शक्लें माँ बाप के साथ मिलती जुलती तो है, हमारी शक्लें अपने भाई बहन जैसे के साथ मिलती तो हैं, लेकिन हम एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं जेनेटिकली. ठीक है, सो ये रिप्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा टॉपिक से आउट था. लेकिन अब मैं क्लोनिंग पर आता हूँ. क्लोनिंग में भी बच्चे पैदा होते हैं, बच्चे आते हैं रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअली. उसमें क्या होगा, उसमें पेरेंट आपके पास एक नहीं होगा, दो नहीं होंगे, एक पेरेंट होगा क्लोनिंग में. सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, क्लोनिंग में हमारे पास क्या है, देयर विल बी वन पेरेंट. यानी क्लोनिंग में बच्चे आएंगे एसेक्सुअली आएंगे, नंबर वन. नंबर टू, जो बच्चे आएंगे एक दो सौ या हजार, एक दो सौ या हजार, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं. ठीक है, इन सब का डीएनए एक दूसरे से सिमिलर होगा, जेनेटिकली आइडेंटिकल होगा, बिल्कुल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज होंगे एक दूसरे के. 100% ये बच्चा इसके साथ मिलता जुलता होगा, ये इसके साथ, ये सब आपस में एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे. और ऐसे जानदार को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन्स कहते हैं. क्या कहते हैं? क्लोन्स कहते हैं. जो बच्चे आ गए इसको क्लोन्स कहते हैं. अब ये जो क्लोन है, ये एक एनिमल भी हो सकता है, एनिमल भी हो सकता है, एनिमल क्लोन्स भी हो सकते हैं, जो आज मैं आपको डिटेल में बताऊंगा एनिमल क्लोनिंग डोली के हवाले से. ये क्लोन बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, मतलब एक बैक्टीरिया से आपको बहुत सारे बैक्टीरिया मिलेंगे तो वो भी क्लोन में आएंगे.
ये एक सिंगल सेल हो सकता है, मतलब आपके पास एक सेल है उससे आपने और भी बहुत सारे सेल्स बना लिए, इसको भी आप क्लोन कहेंगे। आपके पास एक जीन है, उस जीन से आपने बहुत सारे कॉपीज बना लिए, वो भी क्लोनिंग है। तो जीन क्लोनिंग, सेल क्लोनिंग, क्लोनिंग का मतलब ये है कि एक सिंगल स्पीशीज से, एक सिंगल जानदार से, एक सेल से या एक जीन से आप एक तरह के कॉपीज बना ले। और क्लोनिंग हम अक्सर एनिमल्स पे ज्यादा अप्लाई करते हैं, एनिमल क्लोनिंग, प्लांट क्लोनिंग, एनिमल्स को क्लोन करते हैं हम लोग, प्लांट्स को भी हम लोग क्लोन करते हैं। तो ये तो उसका डेफिनेशन हुआ, प्रोडक्शन ऑफ द जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज। आपने अगर ये लफ्ज यूज नहीं किया तो टॉपिक आपका खराब हो गया। जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ऑर्गेनिज्म बाय एसेक्सुअल मेथड, ये डेफिनेशन हो गया। अब हम आपको एक एग्जांपल बताते हैं क्लोनिंग का। शीप, जो एक भेड़ है, शीप है, इसको मैं ईव भी बोलते हैं, ठीक है, EWE, ईव, ठीक है। हम लोग एक एनिमल को जब क्लोन करते थे, सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे, एक था विलमट और दूसरा था कैम्पबेल। इन्होंने सबसे पहले भेड़ को क्लोन किया था तारीख में, उसके बाद बहुत सारे जानदार क्लोन हो गए थे, प्लांट क्लोन हुए थे। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने दो आप भेड़ ले ले, ठीक है, इससे अंडा निकाला, ओवम, अंडा इसे निकाला, अंडे के, अंडा सेल है कि नहीं है, ओवम तो सेल है ना, जब ये सेल है तो इसके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद है। ये क्या मौजूद है, इसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद है। ये यहां से निकाला, अब देखें यहां से अंडा निकाला, मतलब ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है। यहां से एक और भेड़ है, वहां से उन्होंने, ये भी फीमेल है, वहां से उन्होंने क्या था, मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड, जैसे दूध प्रोड्यूस होते हैं ना, तो फीमेल तो दूध देते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड से हमने एक सेल निकाला, कहां से, मेमोरी ग्लैंड से, मेमोरी इज नॉट मेमोरी इज मेमोरी, मेमोरी ग्लैंड, जैसे दूध निकलते हैं मेमोरी। वजह क्या है, हम इसके पूरे जिस्म से कहीं से भी सेल निकाल सकते थे, लेकिन याद रखिएगा यहां पर हमें क्या चाहिए, टोटिपोटेंट सेल चाहिए। टोटिपोटेंट सेल एक ऐसे सेल को कहते हैं, सेल के तो एक ऐसे सेल को कहते हैं जो अपने आप को डिफरेंशिएट कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के टिश्यू में। मिसाल एक सिंगल सेल है, इसके अंदर नोज बनाने वाले जीन्स भी हैं, इसके अंदर इंटेस्टाइन के बनाने वाले जीन्स भी हैं, इसके अंदर ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइन, लिवर, ऐसा सिंगल सेल जिसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यू बनाने के जीन्स मौजूद हों, ऐसे सेल को क्या कहते हैं, टोटिपोटेंट। देखो अगर आपके जिल से अगर आप एक सेल निकालेंगे तो उसके अंदर तमाम बॉडी पार्ट्स के जीन नहीं होंगे, या अगर हैं तो एक्सप्रेस नहीं होंगे। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा सेल चाहिए जिसमें पूरे बॉडी पार्ट्स के सेल्स मौजूद, जीन्स मौजूद हों, जीन्स मौजूद हों, और वो सिंगल सेल के अंदर ये ताकत हो कि ये बाद में जाकर डिफरेंशिएट हो सके। अब ये वाला सेल हमें कहाँ से मिलेगा, टोटिपोटेंट सेल जो है ये आपको एम्ब्रियो से मिलेगा। आपको कहाँ से मिलेगा, शुरू में एम्ब्रियोनिक लाइफ में आपको मिल सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे कोई जानदार मेच्योर हो गई, भीड़ काफ़ी मेच्योर हो चुका है, इसके अंदर अब आपको टोटिपोटेंट सेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इसके सेल्स पहले से सारे डिफरेंशिएट हो चुके हैं। इसके सेल कहीं पर कुछ नाक बन गए, कुछ जिल्द बन गया है, कोई दिमाग बन गया हुआ है, तो इनके अंदर फिलहाल टोटिपोटेंट सेल नहीं है। हम क्या करेंगे, हम उसको स्टार्व रखेंगे, स्टार्वेशन इंग्लिश लगता है, स्टार्व, भूखा रखना। तो हम इसको 5 दिन के लिए भूखा रख देंगे, वो जो सेल है वो सेल डॉर्मेंट हो जाएगा, मतलब उसके अंदर एक्टिविटी स्टॉप हो जाएंगी, ये सेल अपने आप को रिवर्स कर देगा टोटिपोटेंट, बिल्कुल जैसे एम्ब्रियोनिक लाइफ में था ऐसा बनाएगा वो सेल अपने आप को। तो ये जो सेल हमारे पास आ गया टोटिपोटेंट सेल, पहले तो यहाँ पर हमने क्या किया, स्टार्व किया, स्टार्वेशन, मेमोरी सेल, इसके अंदर क्या है, हाँ इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस है। आप हैरान होंगे कि सर ये तो दो जानदार यूज हो रहे हैं, डोंट वरी, आपको पता चल जाएगा कि एक ही जानदार से हमें बच्चा मिल रहा मिलेगा। तो
यहाँ से आपने एक सेल निकाला स्टार के, तो ये टोटिपोटेंट सेल आ गया, इसके पास अपना न्यूक्लियस मौजूद है। अब हम क्या करेंगे, हम इस न्यूक्लियस को, इस सेल को फ्यूज करेंगे या इस न्यूक्लियस को डाल देंगे किस चीज के अंदर, इस दूसरे सेल के अंदर। दूसरा सेल भी हमारे पास है, दूसरा सेल हमें कहां से मिलेगा, कोर शीप से मिलेगा। वो जो सेल इसके अंदर भी क्या है, न्यूक्लियस है, लेकिन इस न्यूक्लियस को हम लोग यहां से हटा देंगे। क्यों नहीं हटा देंगे, क्योंकि यहां पर हमने एक और न्यूक्लियस को अभी लाना है। मतलब आपको ये पसंद है, आपको ये वाला भेड़ पसंद है, आपको ये शीप पसंद है, तो आपको इसकी कॉपी मिल जाएगी फ्यूचर में, इसकी ये कॉपी मिल जाएगी आपको, ये यू लाइक इट। लेकिन इसके लिए आपको दूसरा से आपने सेल निकाला, वहां से आपने ओम निकाला, अंडा निकालना होगा, ठीक है। बहुत एहतियात के साथ सेल निकाल, अंडा आप निकालेंगे, अंडे के अंदर न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस को आप रिमूव करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, रिमूव कर दें न्यूक्लियस को। जब आप रिमूव कर देंगे तो ऐसे सेल का नाम है ई न्यूक्लिएटेड, ई न्यूक्लिएट बगैर न्यूक्लियस वाला। अब ये कवर हमें मिल गया, कवर हमें मिल गया, और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा रप्चर करेंगे, ठीक है। इसका ये जो खोल है इसको रप्चर करेंगे, ये जो न्यूक्लियस है इसको फ्यूज़ करेंगे, क्या करेंगे, फ्यूज़ करेंगे। तो ये देखो मैं यहाँ से एक लाइन डाल रहा हूँ, इसके साथ हम क्या करेंगे, इसको फ्यूज़ करेंगे। लेकिन फ्यूजन करने के लिए, मतलब एक सेल में न्यूक्लियस नहीं है, ये आपके पास सिर्फ न्यूक्लियस है। अब ये न्यूक्लियस के अंदर सारा डीएनए है, सारी पहचान है, तो ये न्यूक्लियस में इसके साथ फ्यूज करेंगे। फ्यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, करंट का एक मेथड है, पल्स इलेक्ट्रिसिटी, इसकी मदद से हम ये दोनों को फ्यूज करेंगे। जब आप इन दोनों को फ्यूज करेंगे तो अब आपके पास क्या मिलेगा, अब आपके पास एक सेल आएगा, एक सिंगल सेल होगा। ये जो सेल होगा, ये जो सेल होगा, इसको आप रिकॉम्बिनेंट भी कह सकते हैं। वह जो क्या है कि इस ये सेल जो था, इसका जो कवर है वो किसी और जानदार का है, और इसके अंदर जो न्यूक्लियस डीएनए वो किसी और जानदार का है। तो अब ये देखिए बड़ा स्पेशल सेल है, अब इसका आसपास कवरिंग इस जानदार का है और इसके अंदर न्यूक्लियस फिर इस जानदार का है। तो ये जो सेल है इसको हम कुछ दिन के लिए इन विट्रो ग्रो करेंगे, मतलब आउटसाइड द बॉडी इसमें कुछ सेल्स बढ़ जाएंगे, 2-4-10 सेल बढ़ जाएंगे। फिर ये जो कुछ सेल्स है, एम्ब्रियोनिक सेल्स है, इनको हम लोग इम्प्लांट कर देंगे किसी दूसरे शीप के पेट के अंदर, हम उसको इम्प्लांट कर देंगे। अब ये जो है इसका फॉस्टर मदर है, फॉस्टर मदर क्यों कहेंगे, क्योंकि ये बच्चा इसका अपना नहीं है, इसके अंदर प्रोड्यूस नहीं हुआ। हमने यहाँ से एम्ब्रियो बना लिया, फिर इसके पेट के अंदर हम लोगों ने रख दिया, 5 महीने के बाद इसके पेट के अंदर वो बच्चा बड़ा होगा और ये बच्चा बिल्कुल उसका कॉपी। ये देखो ये नया बच्चा आया, इस बच्चे का नाम क्या है, डॉली। ये डॉली सबसे पहले हमने इसको क्लोन किया था, तो फाइनली आपको बच्चा मिला। अब ये बच्चा देखो ये बिल्कुल एसेक्सुअल है, यहाँ पर आपने नहीं देखा कि देखो मेल फीमेल, मेल फीमेल तो कंसेप्ट है ही नहीं सारा का सारा। अब आप देख रहे हैं ये एक सिंगल न्यूक्लियस आ रहा है, ये देखो एक सिंगल न्यूक्लियस हमारे पास आ रहा है, हमने उसको बगैर न्यूक्लियस वाले सेल के साथ फ्यूज किया। अभी भी वो सिंगल न्यूक्लियस है, लेकिन उसने दूसरे शीप के पेट के अंदर उसने ग्रो अप करना शुरू किया। देयर इज नो मेल एंड फीमेल, कोई वैसा मेल फीमेल सेक्सुअल एक्सप्रेशन की बात यहाँ पे नहीं आ रही है। अब आप चाहो तो इस तरह के 1000 डोली आप बना सकते हैं, और वो सारे एक दूसरे के साथ 100% सिमिलर होंगे, कॉपी होंगे एक दूसरे के, आइडेंटिकल कॉपीज होंगे। इस पे एक मूवी बनी हुई है जिसके कोई 5-6 वॉल्यूम आ गए थे, रेजिडेंट एविल के नाम से, जिसमें फीमेल ज़्यादातर फीमेल जो है उसका हीरोइन है। तो वो रेजिडेंट एविल में आप देखिए हर मूवी में वो क्लोन हुआ होता है, वो जो औरत है वो क्लोन होता है और उसे बहुत सारे काम लेते हैं, तो वो मूवीज है। लेकिन इंसानों पे इसकी पाबंदी है, इंसान को अगर आप क्लोन करोगे, जैसे कि एक इंसान है आप उसको क्लोन करोगे, तो उसका मतलब ये कि कल को कोई गलत इंसान किसी के हाथ चढ़ जाए और वो गलत इंसान की कॉपी बना ले, तो कितने लोग हम मतलब रॉन्ग पीपल जो कि टेररिस्ट टाइप के होंगे वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और इस पर भी काफ़ी मूवीज बनी हुई है। दूसरी तरफ ये कि आप एक अच्छे बंदी की कॉपी भी बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। आपके घर में आपका अपना भाई आएगा और आप बोलोगे या ओरिजिनल मेरा भाई है या किसी ने क्लोन भेजा है, पता नहीं क्या है, फादर भी शक को, सब एक दूसरे को शक की निगाह से देखें, अजीब सिचुएशन होगी। इंसानों पर क्लोनिंग की पाबंदी है, हो सकता है स्क्रीन के पीछे इंसानों पर भी क्लोनिंग हो रहा हो, लेकिन ये एक उस पर पाबंदी है। ये हम लोग एनिमल्स पे करते हैं और प्लांट्स पे हम क्लोनिंग करते हैं, ये क्लोनिंग्स के
तरीक़ेकार है और ये उसका आइडिया है। होप आपको ये सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपको समझ आ गया हो। एक और पॉइंट भी आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्लोनिंग में इन दो साइंसदानों ने क्या किया था। लगभग 277 अंडे उन्होंने लिए थे, 277 अंडे उसमें फेल हो रहे थे, कामयाब नहीं हो रहे थे। उन 277 अंडों में से कितने हो गए, सिर्फ 13 ऐसे थे कि प्रेग्नेंट हो गए, 13 प्रेग्नेंट हो गए। उन 13 में से सिर्फ एक बच गया, ये डोली सिर्फ एक बच गया। मतलब ये भी इस तरह नहीं है कि बस आंखें बंद करके बस उसी वक्त कामयाब हो जाते हैं। आपने किसी का भी आपने अंडा निकाला, उसका न्यूक्लियस डाला, इसके लिए बार बार ट्राई करना पड़ता है, बार बार तो फेल हो जाते हैं, एक दो उसमें कामयाब हो जाते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ये है बहुत स्पेशल टॉपिक था, बहुत स्पेशल टॉपिक था। आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, अपने नोट्स बनाइए और इसको लिखते भी जाइए। अपना भी ख्याल रखिएगा, दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।